कमर की ओर से ऋषभ ठाकुर तीन नंबर की जर्सी में रेडिंग करते हुए ऋषभ ठाकुर सात की संख्या में डिफेंडर मौजूद है और देखना यह है कि ऋषभ ठाकुर पहले रेड में खाता खोलते हैं कि नहीं। एमपी ने जी जो दर्शक अंदर में बैठे हैं उनको थोड़ा से दूसरे जगह पर बैठने के लिए निवेदन किया जा रहा है। ऋषभ साहब इधर जो बैठे हैं उनको थोड़ा दूसरी जगह आयोजन समिति के द्वारा कहा जा रहा है। भैया बढ़िया जगह देख के बैठ जाइए, थोड़ा बेस करेंगे ना इधर थ्रो कर देंगे तो दब जाएंगे वहां से, थोड़ा सा अच्छा जगह बैठे। तीन नंबर की जर्सी पर कवर गिरेगा बासिंग के और यहाँ पर एक अंक जबरदस्त चुरा लिए हैं पैर से। कवर टीम का खाता खुलता हुआ ऋषभ ठाकुर ने रेडिंग में टच पॉइंट लिया है, कवर का खाता खुल चुका है। बासिंग वालों को अच्छा खेल का प्रदर्शन करना होगा। बासिंग और कवर के बीच एक शानदार मुकाबला, दोनों पड़ोसी गांव, दोनों घोर विकास खंड के गांव है। इस बार ये बहुत जबरदस्त ढंग से अजय ने पकड़ा इस बार और एक और पॉइंट मिला कवर की टीम को। रेडिंग में पॉइंट ऋषभ ठाकुर ने दिलाया, अजय ने एक पॉइंट डिफेंस में दिलाया, टेकल किया, एंकल होल्ड किया, तो कवर टीम के पास दो पॉइंट, बासिंग की टीम को खाता खोलना है। सिन्हा जी और यहां पर दो अंक अपने खाते में बढ़त बनाए हैं कवर और अभी तक बासिंग का खाता ही नहीं खुला है, जीरो पर चल रहे हैं। और बासिंग रेड डालते हुए बासिंग के आठ नंबर की जर्सी पर मजबूत कंधे वाला खिलाड़ी, लेकिन अभी तक कोई अंक अपने खाते में नहीं जोड़ रहा है। बढ़िया टीम कवर की टीम, ऋषभ आज लगातार सर्विस करते हुए लगातार अपनी टीम की ओर से, हालांकि गुलशन भी अच्छा सर्विस करते हैं और इस मैच में महेश्वर नहीं है, महेश्वर की कमी उनके टीम को खेलेगी। अंकित मौजूद है कवर टीम में, अजय मौजूद है, सुभम मौजूद है। सुभम ने कल लाजवाब प्रदर्शन किया था अपने अभ्यास मैच में, यहाँ कल कुछ टीमों के द्वारा अभ्यास मैच खेला गया और अभ्यास मैच को भी सीरियसली खेल रहे थे कल, क्योंकि टीमें कल आई नहीं थी तो जो दर्शक आए थे उनको खेलने का मौका दिया गया था। और इस बीच बासिंग के खिलाड़ियों को थोड़ा खुल के खेलना होगा, थोड़ा साहस का परिचय देना होगा अगर उनको कवर को हराना है तो। हाँ, आज के मैच में एक खुशखबरी यह हो सकता है बासिंग के लिए कि सबसे दिग्गज खिलाड़ी कवर टीम का महेश्वर आज मौजूद नहीं है, हालांकि मनीष टंडन एक बेहतरीन टिकल करने वाले डूटर की आवाज में तैयार रहो भैया, आयोजन होने का वजह हो 10-12 सबकर मोबाइल बार बार यहाँ पर घुटर की आवाज अभी दी जा रही है हमारे एंकर के द्वारा, लेकिन अभी तक एक बार भी घुटर नहीं बजा हुआ है। आयोजन समिति इस पर गौर कीजिएगा। और यहाँ पर फिर भूल कर बैठे बासिंग के खिलाड़ी और तीन अंक फिर से बासिंग के लिए डू आर्डर है। और यहाँ पर देखते बहुत अच्छी रेडी और वापसी करते हुए बासिंग के दो अंक अपने खाते में, तीन और तीन, बासिंग तीन पर और कवर तीन पर। और यहाँ पर बोनस लेने की कोशिश, और बोनस यहाँ पर एक अंक अपने खाते में जोड़ता हुआ कवर, इस तरह एक अंक की बढ़त बनाए हुए कवर। और यहाँ पर भूल चूक देख नहीं पाए नजर तो कहीं घुमा बैठे रेडर और उसका भरपूर फायदा उठाया कवर के डिफेंडरों ने। चार नंबर की जर्सी पर फिर से दूसरी बार रेड डालते हुए कवर के खिलाड़ी गुलशन जबरदस्त रेडर है अपनी टीम की ओर से चार नंबर की जर्सी में और बोनस लेता हुआ गुलशन, शुरुआत अच्छी शुरुआत गुलशन को। और यहाँ पे अब पासिंग के खिलाड़ी थोड़े से एनर्जेटिक होते हुए थोड़े से ऊर्जा का संचार हुआ है पासिंग के खेमे में, पासिंग के खिलाड़ियों को निडर होकर खेलना होगा, पासिंग के खिलाड़ियों को अपने स्वाभाविक खेल पर ध्यान देना होगा। ऋषभ ठाकुर तीन नंबर की जर्सी में, ऋषभ ठाकुर रेडिंग करते हुए बहुत बढ़िया खेल यहाँ पे दोनों टीम करा रही सामने से जाके बहुत कमाल की बात है।
को, पासिंग के खिलाड़ियों का जो बुरा पावर है वो बढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हुआ होगा। इस बार पासिंग के खिलाड़ी चार की संख्या में डिफेंडर मौजूद, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी में, लेफ्ट कॉर्नर 31 नंबर की जर्सी में, दो दो का दो चैन बनाकर खेल रहे थे। और देखिए शानदार ढंग से यहाँ पे खेल का प्रदर्शन किया है, टाइम आउट यहाँ पे लेते हुए रेड डालते हुए लगातार दो बार बोनस ले जा चुके हैं खिलाड़ी। और फिर और यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिफेंडी, जबरदस्त ढंग से कमरा ग्रिप किया, एंकल होल्ड किया सेंटर जोन के खिलाड़ी ने, यह पॉइंट मिला है, बोनस मिला है। जी हाँ, बोनस मिला कवर को, गुलशन एक पॉइंट लिए। और साथ ही साथ जी हाँ, यहाँ पे सुपर टेकल ऑन है कवर के लिए, सुपर टेकल कवर को फायदा हो सकता है, दो पॉइंट मिल सकता है कवर को। और ये बैक किक मारा पीछे जा करके, इस तरह से कवर उठा करके बैक किक मार करके, ये देखिए ये देखिए, कल हम कह रहे थे सुपर टेकल दो पॉइंट कवर को, कल मनु चंदा के बारे में कह रहे थे कि ये जब भी पकड़ा है, जब भी मनु चंदा को पकड़ा है जबरदस्त पकड़ा है। और अभी तक उसके फिर से कवर की टीम ने अपनी बढ़त को बढ़ा दिया है, कवर की टीम ने अपना शानदार खेल और अपना रंग फिर से प्राप्त कर लिया है। बासिंग के खिलाड़ियों को छोटी छोटी गलती जो वो करते हैं उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। सिन्हा जी और यहाँ पर 10 और 5 के अंतराल में चलता हुआ 5 की लीड पर कवर, बहुत ही अच्छी पोजीशन पर, अच्छे ही खेल का परिचय है यहाँ पर खेल दिखाते हुए कवर के खिलाड़ी। और लगातार और यहाँ पर देखते हैं यहाँ बहुत फेंकती है, जबरदस्त खेल डिफेंस में, डिफेंडर शानदार खेल रहे हैं पासिंग के, पासिंग को रेडिंग में ध्यान देना होगा, डिफेंडर अच्छे हैं पासिंग के, रेडर थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं। अच्छा रेडर अगर मिल जाए पासिंग की टीम को, दो थाकड़ रेडर मिल जाए तो पासिंग की टीम भी एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पे हो सकती है। उनके डिफेंडर की जितनी तारीफ की जाए, पूरे के पूरे मिलकर डेस करते हैं, पूरे के पूरे मिलकर चैन कराते हैं, ब्लॉक करते हैं। पासिंग टीम भी कम उम्र के खिलाड़ी है लेकिन बढ़िया प्रयास, बढ़िया प्रदर्शन अभी तक। अब गए हैं अजय, अजय यादव 7 नंबर की जर्सी में, कवर टीम की ओर से अजय यादव पहली बार रेडिंग करते हुए, और महेश्वर नहीं है इसलिए अजय यादव के ऊपर जिम्मेदारी है। अभी तक गुलशन ने अच्छा प्रयास किया है और ऋषभ ठाकुर ने अच्छा रेडिंग किया है इस टूर्नामेंट में, आज के मैच में चार खिलाड़ी जो है कवर के, और दो डायरेक्ट है, करो या मारो अगर अंक, रेडर आउट और डिफेंडर ने शिकार कर लिया है रेडर का, और इस तरह से डू और डाई रेड यहाँ पर पासिंग के लिए नुकसानदायक हुआ। अभी तक जितने भी डू और डाई रेड होते हैं अक्सर उसमें डिफेंडर लोगों का पलड़ा भारी होता है। इस बार ऋषभ ठाकुर किक मार करके टच पॉइंट, ये किक मार करके इन्होंने पॉइंट लिया है, ऋषभ ठाकुर को एक और पॉइंट मिलता हुआ। लगातार बढ़त बनाए हुए कवर, और बासिंग को चाहिए कि अच्छे खेल का प्रदर्शन करें, अच्छी डिफेंडिंग, अच्छे रेट, ताकि यह मैच जो है मुकाबला की ओर जाए, क्योंकि 5 अंक की लीड पर भी कवर चल रही है। रेडिंग करने के लिए गुलशन बहुत ही शानदार खिलाड़ी, दत्ता खिलाड़ी के कितना जहाँ पे कैचर होते हैं वहां जाने की गलती कर बैठे, 4 की संख्या में डिफेंडर है, बोनस नहीं मिलेगा यहाँ पर। और जी हाँ, दुष्यंत यहाँ पे बैक किक मारने की कोशिश करते हुए, लेकिन दुष्यंत को कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं मिला है। शानदार खिलाड़ी दुष्यंत, बासिंग टीम की ओर से बहुत ही उमदा प्रदर्शन, कंटिन्यू सर्विस करते हुए ऋषभ ठाकुर, कवर टीम की ओर से ऋषभ ठाकुर दमदार रेडर, क्या बढ़िया पर्सनालिटी है, और बहुत ही अकेले पकड़ने की कोशिश में लगातार पीछे चल रहे बासिंग, फिर भी जोखिम उठाए, और इस तरह बासिंग के प्लेयर जो कि बहुत 4
से हम जो पीछे जा रहे हैं उनको कुछ कर दिखाना होगा, क्योंकि समय की घड़ी धीरे धीरे 1 मिनट 9 मिनट मात्र रह गया है। फिर से कवर के रेडर और चार और यहाँ पर एक खिलाड़ी जो है फॉल होते हुए बासिंद वाले को चाहिए जरूरी हुए एक अच्छे प्रदर्शन करें, क्योंकि बहुत से बढ़त बना चुके हैं और यहाँ पर फिर से अच्छे ब्लॉकिंग करके मात कर दी है बासिंद वाले को। और यहाँ पर सुपर टेकल ऑन देखते हैं, दो छोटे छोटे गति खिलाड़ी हैं अपने टीम के लिए क्या सुपर टेकल कर पाते हैं कि नहीं। और इस तरह अपने खाते में एक अंक और जोड़ता हुआ कवर के रेडर, कोई टीम और उम्मीद न करेगी हमको एंट्री मिलेगा, फिर से एंट्री फेंट नहीं मिलना है। राउंड नंबर 2 का मैच शुरू हो गया है, हम लोगों को वहां और मिला था तो फिर से मौका मिलेगा क्या? भैया बाहर हो बाहर हो, आईजीएस वाले पूछते हैं, ये समझ से परे की बात है। अभी कौन कौन सी टीम बाहर है कौन कौन सी टीम अंदर है मैं बता देता हूँ। प्रतियोगिता में दंतेवाड़ा की टीम अंदर है, प्रतियोगिता में देवरी फलोट की टीम अंदर है, प्रतियोगिता में खुंदनी भिरई घुघुआ और ये दो मैच चल रहा है कवर और कवर के साथ बासी की टीम अंदर है, नवागांव की टीम अंदर है। इसके अलावा कोई टीम टूर्नामेंट में अंदर नहीं है, इसके अलावा और कोई टीम नहीं है। चिरई घोड़े वाले भजन जाए उसके बारे में और कुछ पूछिए, वातावर मिल गया उनके अगर इतने टीम जिनका नाम बताया गया वो टूर्नामेंट में शामिल है, बासिल कवर जो लोग खेल रहे हैं दंतेवाड़ा और देवरी बालोद खुंदरी खिरई घुघुआ और नवागांव का रहे इतना टीम। रेडिंग करते हुए दुष्यंत कुमार बासिंग की ओर से शानदार रेडर, लेकिन रेडिंग में मेहनत करना होगा बासिंग की टीम को। बासिंग की टीम के डिफेंडर अच्छे हैं, रेडर में केवल दुष्यंत है, वो भी उतना अंदर घुस करके अलग पैर मार करके टॉप टच करने की कोशिश नहीं करते। एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलेगा, भिरई टीम के एक रेडर है जो यहाँ पे सफल इसलिए हुआ क्योंकि तरसिया के सौरभ जो एकल होल्ड करते थे उनके सामने वो हाथ को सामने करके रेडिंग करते थे, तो हाथ को सामने करके रेडिंग करने से डिफेंडर जो है वो पैर पकड़ने के लिए सामने नहीं आ पाता। इस बीच अब रेडिंग करने के लिए बासिक के रेडर टॉस अप करने की कोशिश, बैलेंस नहीं बना पाए और अपील कर रहे हैं कि लाबी, अंकित अपील कर रहे हैं कि लाबी में चला गया, हालांकि रेफरी बड़े अनुभवी सीनियर रेफरी है और ये देखिए खुद के जाल में खुद फंस बैठे, खुद के जाल में खुद फंस बैठे, घूम गए थे लगातार। गुलशन कवर टीम की ओर से 5 फीट 8 इंच हाइट और गुलशन कवर टीम से लंबे अरसे के बाद जुड़े हैं, ये देखिए अपने टीम को जिताने का दम रखते हैं। इस बार बासिंग की टीम को थोड़े अधिक जोश के साथ खेलना होगा, थोड़े अधिक आक्रामकता के साथ खेलना होगा और बासिंग की टीम में रेडिंग पक्ष कमजोर है, उनके रेडर जो है वो थोड़े से टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, हाथ का अगर इस्तेमाल करते हैं तो पैर को खामोश कर देते हैं, दोनों एक साथ चलाते नहीं है, जबकि अचानक पैर को स्लाइड करके टो टच करना होता है। ये बार फिर से ये पॉइंट फिर से मिल गया, ये पॉइंट मिला है शुभम को पॉइंट मिलता हुआ। कवर टीम की ओर से दो भाई खेल रहे हैं शुभम और उनके बड़े भाई ऋषभ, दोनों यहाँ पे मौजूद है कवर टीम पे। और बासिंग टीम की ओर से हरे जर्सी में ये बासिंग की टीम है, थोड़ा सा इस मैच में 16 अंकों की
बढ़त है कंवर के पास, थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं बासिंग के खिलाड़ी, लेकिन ये देखिए सुपर टेकल आउट था और ये 2 पॉइंट बनेगा यहाँ पर बासिंग की टीम को। बासिंग की टीम के डिफेंडर मजबूत है, सुगम को आउट किया है सिन्हा जी। हालांकि मैच जो है तरफा जा है, लेकिन फिर भी बासिंग वालों को खेल एक प्रशंसनीय रहा है। अच्छे 2 बार सुपर टेकल इन्होंने किया है और बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन यहां बासिंग के खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिला है। लेकिन ये जो मैच है यहां लगातार डिफेंडिंग अच्छे, लेकिन रेट की वजह से जो है बहुत पीछे हो गए हैं बासिंग। अगर एक अच्छे रेडर रहते तो ये मुकाबला जो है घमासान हो सकता था और बहुत ज्यादा बढ़त बनाए हुए कंवर। बासिंग वालों को पता चल चुका है कि जो मैच है जो है एक तरफा है, लेकिन फिर भी अपना दमखम साहस नहीं छोड़ रहे हैं, फिर अच्छे खेल का प्रदर्शन इनके द्वारा दिखाई दे रहा है और यहां पर घुस गए अपने ख्याल में फिर से। यहां पर फिर एक बार सुपर टेकल 3 खिलाड़ी मात्र 3 मिनट का समय शेष रह गया है और जो मैच जो है मात्र फॉर्मिटी बहुत ज्यादा अंकों की लीड पर है। कवर एडवांस की जो जल्दी कोशिश में सुधारा किया गया, गलत खेल करा और बासिंग टीम को खमियाजा खबरदार कर सकता है। ये फैक्ट एक किक मार रहे थे अभी पीछे जा करके सामने ढूंढ के कॉर्नर की खिलाड़ी को, आप देखिए बस किक बन रहे थे इस पर बैठे नजर हटी जो घटना घटी साकार यहां पर टिकट किया गया, एंकल होल्ड किया गया, बासिंग के अगेंस्ट कवर का प्रश्न लहराता हुआ। 2.5 मिनट का खेल बाकी है और बासिंग की टीम 32 पॉइंट कवर की टीम 14 पॉइंट बासिंग की टीम पूरे मैच में पूरी तरह से चारों सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कवर के खिलाड़ी बासिंग के नौजवान खिलाड़ियों को पूरे जज्बा के साथ पूरे जोश के साथ अपने रेडर को ज्यादा आक्रमक होकर के खेलना होगा। रेडिंग में थोड़ा सा टीम का प्रयास उतना ये खराब खेल ये पहुंचा था खराब खेल कवर टीम का ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, एडवांस किकिंग करने के लिए मिड लाइन के पास चले गए थे। बुलशन कवर टीम की ओर से आज के सक्सेसफुल नहीं 50% सफलता का दर है, 2 बार इनको टेकल किया गया है और 2 बार बोनस में पॉइंट लिए, इस बार फिर से पॉइंट फिर से बुलशन को पॉइंट मिलता हुआ। अब इस बार क्या पहुंचा है कवर टीम का स्कोर पर और बासिंग के स्कोर 15 पॉइंट, डुअल नो रेड होने पर बताएंगे सिग्नल देंगे। बुलशन रेड करते हुए ये टच पॉइंट का अपील और दूसरे टच पॉइंट होता हुआ बासिंग 15 कवर 33 सिन्हा जी। इसके तुरंत बाद तैयार है फिरही वर्सेस खुंदनी, फिरही और खुंदनी का मैच होना है इसके तुरंत बाद। मात्र 2 मिनट के समय के अंदर आपको मैदान पर उतरना है, पहले से आपको अनाउंस किया जा रहा है इसलिए उनके कैप्टन अपने खिलाड़ियों को तैयार रखें। फिरही और खुंदनी के कप्तान अपने पूरे टीम को लेके आ जाएं क्योंकि 1 मिनट का समय बाकी है। फिरही और खुंदनी 1 मिनट का समय बाकी है इस मैच में और 33 पॉइंट कवर के पास है, 17 पॉइंट बासिंग के पास है। ये किक मार दिया लेकिन बचे यहाँ पर देखिए गुलशन हाइटेड खिलाड़ी है और पूरी तरह से चतुर्दश ढंग से चारों खाने चित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जितने भी मैच हुए एक तरफा गए हैं माता तरसियों भिरई को छोड़कर, उसमें भी घमासान मुकाबला देखने को मिला था, मात्र एक अंक से जो तरसियों हारी थी और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ था दोनों के बीच और जितने भी मैच अभी हुआ है एक तरफा, इसलिए जो है दर्शक हालांकि बैठे जरूर हैं हमको साथ दे रहे हैं लेकिन जोश और खरोश कुछ कमी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। जब दोनों टीमों में मुकाबला अच्छा होता है तो दर्शकों में भी भारी उमंग और जोश रहता है देखने के लिए और इसी के साथ इस मैच का परिणाम आता हुआ दूसरा मैच जीत लिया है।